क्या पीरियड के दौरान करवा चौथ का व्रत करना चाहिए या नहीं? कुंवारी लड़कियों के लिए करवा चौथ के व्रत के क्या है नियम? करवा चौथ के दिन चंद्र उदय का समय क्या है? जिसकी सासू माँ नहीं है उसको करवा चौथ की सरगी किसे देनी चाहिए? और साथ ही साल 2024 में करवा चौथ के दिन चार विशेष दिव्य और दुर्लभ योग बनने वाले हैं, जिससे चार राशियों के पति धनवान बनने वाले हैं। यह करवा चौथ चार राशि वाली महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली रहने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं करवा चौथ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, आप भी अगर माता रानी के सच्चे भक्त है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक व्यक्ति तक यह काम का अपडेट जो है पहुँच पाए। दोस्तों, हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति देव की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती है। शाम को चंद्रमा की पूजा करने के साथ ही व्रत का पारण करती है। साल 2024 में करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 के दिन मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है ना, इस दिन करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। करवा चौथ व्रत के अगर पूजा के मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों 20 अक्टूबर की शाम को 5:45 से लेकर 7:01 का जो समय है ना, वो पूजा का अति उत्तम शुभ मुहूर्त होगा। और अगर करवा चौथ के दिन चंद्र उदय के समय की बात करें तो 20 अक्टूबर की शाम को 7:55 पर चंद्रमा का उदय होगा। करवा चौथ के दिन अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत का पारण करती है। करवा चौथ माता की विधिवत पूजा भी करती है। इसके साथ ही रात के समय चंद्रमा की पूजा करने के अलावा अपने पतिदेव के हाथों से जल पीकर अपना व्रत खोलती है। वहीं दूसरी ओर जिन लड़कियों की शादी तय हो चुकी है, यानी कि जिनकी सगाई हो गई है, वो भी इस व्रत को रखती है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करने लगती है और माता पार्वती, शिव जी और करवा माता की पूजा करने के साथ ही अखंड सौभाग्य की कामना भी करती है। दोस्तों, ये तो हुआ सुहागिन महिलाओं का। अब बात करते हैं कि क्या कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत करें या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत करती है और अपने पतिदेव के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का समापन करती है। लेकिन कुंवारी लड़कियों को निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। कुंवारी लड़कियों को केवल निराहार व्रत करना चाहिए, निर्जला व्रत नहीं करें। उसके अलावा जो कुंवारी लड़कियां होती है ना, उनको सुहागिन महिलाओं की तरह श्रृंगार नहीं करना चाहिए। कुंवारी लड़कियां सुहाग के रंग जैसे कि लाल, पीला, हरा आदि रंग के नए वस्त्र पहन सकती है और बड़ी ही सादगी के साथ इस व्रत को पूर्ण करें। उसके अलावा एक चीज का ध्यान रखें कि कुंवारी लड़कियां अपने हाथों में जो मेहंदी लगाती है ना, वो विवाहित महिलाओं के हाथों से ही लगानी चाहिए। कोई भी कुंवारी लड़की जो है ना, वो कभी भी करवा चौथ के व्रत वाले दिन मेहंदी नहीं लगाएं। और जो कुंवारी लड़कियां जिनकी जल्द ही शादी होने वाली है, उनको सुबह के समय भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय सुहागिन महिलाओं के साथ करवा चौथ की कथा हाथ में चावल लेकर सुननी चाहिए। ध्यान रखें, कुंवारी लड़कियां करवा चौथ की व्रत की जो कथा सुने ना, अपने हाथ में चावल जरूर रखें। और उसके अलावा जो कुंवारी लड़कियां है ना, जिनकी जल्द ही शादी होने वाली है, करवा चौथ की शाम के समय उनको चंद्रदेव को अर्घ्य नहीं देना है, बल्कि उनको तारों को देखकर तारों को अर्घ्य देना चाहिए और छलने का प्रयोग भी नहीं करें। उसके अलावा कुंवारी लड़कियों को सरगी भी नहीं मिलती है और ना ही बाइना निकाला जाता है। कुंवारी लड़कियां करवा माता से सुयोग्य वर की कामना करती है और जिनकी जल्दी शादी होने वाली है ना, वो अपने होने वाले पति के लिए आरोग्य का आशीर्वाद मांगती है। तो ये कुछ कुंवारी लड़कियों के नियम है। अब बात कर लेते हैं कि क्या पीरियड में महिलाएं करवा चौथ का व्रत करें या नहीं, इसके पीछे के क्या नियम है। और उसके बाद अपन जानेंगे कि करवा चौथ के बाद किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या परिवर्तन होगा, किन राशि वाले लोगों के लिए भाग्य उदय होने जा रहा है, उनके घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलने वाला है। दोस्तों, पूरी जानकारी अपन जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है?
कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक बनेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? आपका विवाह का योग कब बनेगा? आप बहुत जगहों पर अपना रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता निश्चित नहीं हो पाता। व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं। आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं। पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि क्या पीरियड के दौरान करवा चौथ का व्रत और पूजा करनी चाहिए या नहीं, इसके पीछे आखिर क्या है धर्म शास्त्र के नियम। दोस्तों, करवा चौथ का त्योहार साल में एक बार आता है और सभी पतिदेव अपनी पत्नियों को करवा चौथ के दिन कुछ गिफ्ट भी देते हैं, उपहार देते हैं, अपने पत्नियों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण भी महिलाएं इस करवा चौथ का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करती है। कई बार क्या होता है, करवा चौथ के समय महिलाओं का पीरियड चल रहा होता है और पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म की वजह से महिलाएं यह सोचकर परेशान हो जाती है कि करवा माता की पूजा करनी ये चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें, शास्त्र के अनुसार पीरियड यानी कि मासिक धर्म के दौरान करवा चौथ का व्रत तो रख सकते हैं। व्रत करने से इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे में आपको व्रत तो पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए, लेकिन इसके जो कुछ नियम है, जैसे कि मासिक धर्म के दौरान करवा माता की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, शास्त्र में इसे निषेध बताया गया है। उसके अलावा जो महिलाएं पीरियड के दौर में गुजर रही है ना, करवा चौथ की पूजा के दौरान वो दूर बैठकर किसी भी सुहागिन महिलाएं से पूजा करवा सकती है। ऐसा करने से भी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही किसी भी पूजा पाठ के सामान को आपको छूना नहीं चाहिए, लेकिन आप मंत्र का जाप कर सकती है। जब चंद्र उदय हो जाए ना, तो आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती है और चांद की छलनी से दर्शन करके निर्जला व्रत भी खोल सकती है। तो ये थे करवा चौथ के कुछ विशेष नियम। अब अंत में जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर करवा चौथ के बाद किन किन राशियों में क्या क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले तो इस बार करवा चौथ पर पूरे 100 सालों के बाद कई दिव्य और दुर्लभ योग बन रहे हैं, जैसे कि मृगशिरा नक्षत्र, शिव पारिगी के साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग, सस राज्यों का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में यह करवा चौथ कई राशियों के प्रेम संबंध और उनके भाग्य को चमकाने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों की महिलाओं के लिए यह जो करवा चौथ है ना, ये बहुत ही शुभ फलदायी मानी जा रही है। एक तो आपके प्रेम संबंधों में चार चांद लगने वाले हैं, उसके अलावा करवा चौथ के बाद आप लोगों को धन लाभ के योग भी बनेंगे। ग्रहों के शुभ संयोग से आप लोगों की आर्थिक तंगी भी दूर होने वाली है। लंबे समय से जो काफी अधूरे कार्य पड़े थे ना, उनका पूरा होने की उम्मीद है। व्यापार में धन का लाभ होगा और जो आपकी अधूरी योजनाएं हैं वो फिर से शुरू होगी। कुल मिलाकर आपके जो परिवार में इज्जत है, वैल्यू है, कद्र है ना, वो बढ़ेगी करवा चौथ के बाद। आपको अपने परिवार के लोगों से पूरा मान सम्मान मिलेगा। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थ जय दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार करवा चौथ के जो समय में सस राजयोग बनेगा ना, यह आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ाएगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत बनेंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आप अपने लाइफ पार्टनर की सलाह से जो कोई भी कार्य करेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने किसी को भी कर्ज या उधार रुपया दे रखा है ना, तो इस वक्त आप उसे वापस से प्राप्त कर पाएंगे। आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और करियर में शुभ समाचार मिलेगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी करवा चौथ के बाद वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू छ
पे और पो से शुरू होता है उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो करवा चौथ पर शुभ योग का निर्माण हो रहा है ये आप लोगों को विशेष रूप से लाभ दिलाने वाला है। करवा चौथ के बाद से ही आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि के अलावा खुशहाली बढ़ेगी। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो भी कन्या राशि वाली कोई भी महिलाएं है ना उनको अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं। अगर कोई महिलाएं वर्किंग वुमेन है या नौकरी करती है जॉब करती है व्यापार करती है ना तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा मुनाफा हासिल होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी ये समय काफी अच्छा और शुभ फल देने वाला है। कारोबार में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में अच्छे ऑफर आपको मिलेंगे और सभी वांछित कार्यों में भी आपको सिद्धियां प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो करवा चौथ पर ग्रहों का शुभ योग और शुभ प्रभाव पड़ रहा है ना यह आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत करेगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में और अच्छी और बेहतर बनेगी। आपके जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। पति और पत्नी के बीच रिश्तों में आपसी कोऑर्डिनेशन या सामंजस्यता बढ़ेगी। आपको धन कमाने के कई नए नए अवसर मिलेंगे, इनकम के साधन बढ़ेंगे और आपको जितनी मेहनत करेंगे ना उसका शुभ फल प्राप्त होगा। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उसका बड़ा ऑफर आपको अक्टूबर महीने में ही मिल सकता है। वैसे अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में जानकारी नहीं है कि आपके नाम की राशि क्या बनती है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताएगा ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता।